नाउ मूविंग ऑन टू टाइप टू रिपोर्ट. टाइप टू रिपोर्ट में वो बात करता है, पहले तो टाइप वन पूरी सेम इसमें आ जाएगी, और एडिशनल पॉइंट क्या आएगा, हम उसके ऑडिटर को बोलेंगे, ऑडिटर साहब हमें आपकी जो काम के ऊपर तसल्ली नहीं है, सॉरी गाइस. टाइप टू रिपोर्ट में हम उनको बोलेंगे कि ऑडिटर साहब हमें आपके ऊपर काम, आपके काम के ऊपर तसल्ली नहीं है, तो आप कृपया करके एक काम कीजिए, जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वहां पर लगाए हैं वो आप उसकी कॉपी, उसकी डिटेल्स हमारे को दीजिए. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज नोट फॉर आईपीसीसी, नोट फॉर आईपीसीसी स्टूडेंट्स. सो सीए फाइनल स्टूडेंट्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें वो गाइस होता क्या है कि अगर कोई जो हमने एग्जांपल लिया था एक्स वाई जेड का और एसएमओ का, अब एसएमओ क्या कर रहा है, एक नई, एक दूसरी कंपनी की एसएसएमओ इसकी भी सर्विसेज ले रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड को एसएमओ सर्विस दे रही है और एसएसएम को एसएसएमओ दे रही है. तो गाइस एक चेन बन रही है, देखिए जो एसएमओ है वो एक्स वाई जेड को सर्विसेज दे रही है, हम यहां इसकी ऑडिट करने आए हुए हैं, लेकिन एसएसएमओ इसको सर्विसेज दे रही है, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा और इसको भी देखना पड़ेगा. तो इसी में, इसीलिए वो बताता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन आती है हमारे पास सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर की, जो एसओ का ऑडिटर हमारे को रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो एसओ यूज कर रही है जिसकी सर्विसेज, अब मैं एसओ की बात कर रहा हूँ गाइस, एसओ किसी और की सर्विसेज यूज कर रही है, तो या तो उस पर्टिकुलर जिसकी सर्विसेज वो यूज कर रही है उसके इंटरनल कंट्रोल्स या तो इसमें होंगे या इसमें नहीं होंगे. तो गाइस अगर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते और हमारे इस ऑडिटर साहब को लगता है कि मेरे को वो ऑडिट अपनी कंप्लीट करने के लिए मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरे को इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, तो वो प्रोसीजर्स लगाएगा गाइस, अपने प्रोसीजर्स लगाएगा इस एसएसएमओ पर, अपने प्रोसीजर्स लगाएगा, अपने प्रोसीजर्स लगा के वो क्या करेगा, और उतने एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ द प्रोसीजर्स, जो एक्सटेंट एंड स्कोप होगा उन प्रोसीजर्स का, वो डिपेंड करेगा मटीरियलिटी के ऊपर, जो ट्रांजेक्शन सब सर्विस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजेक्शन जनरेट हो रही है वो मटेरियल है या नहीं है. तो गाइस इसी के साथ हमारा जो एसए 402 है वो खत्म होता है. हम एक बार इसके ना गाइस स्टैंडर्ड को लर्न करने की एक बार कोशिश करते हैं. इसमें क्या लिखा था गाइस, एसए 402, हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे गाइस, एक बार मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ऐसे 402 एसओ एसओ 402 एसओ 402 402 एसओ एसओ ओ. ठीक है गाइस, इसको ऐसे हम याद भी कर सकते हैं. तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज़ अगर आप अपने को पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए गाइस. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल कवर होल द सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स इन आवर रीसेंट डेज. सो डोंट वरी गाइस, योर स्टैंडर्ड्स, जो आपके स्टैंडर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर स्टैंडर्ड्स, एंड उसको उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी है गाइस. सो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, हम एक एक स्टैंडर्ड बहुत आराम से, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे. मैम वाले जो समरी हैं वो नहीं करेंगे, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे गाइस. ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू.